अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मैथ का टीचर दारिया अरकम स्कूल बल्दिया टाउन कैंपस से। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रेड 5 की मैथ। एक्सरसाइज हमारी है 1A, पेज नंबर 4 और 5 पे जो हमारी डायरी आज की है उसमें हमारे पास क्वेश्चंस जो गिवन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, 10 और 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो दोनों सेम है। उसमें आपको फिगर में नंबर दिए हुए हैं और आपको कहा हुआ है कि इसको वर्ड फॉर्म में लिखें, यानी इसको जो है वर्ड फॉर्म में चेंज करें। तो दोनों सेम क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं दोनों में से एक करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं पार्ट डी करवा रहा हूं, आपने क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी सारे पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 आपने ख़ुद करना है। ठीक है, तरीका मैं समझा देता हूँ, सवाल करना बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन एक्सपेंडेड फॉर्म है हमारे पास, इसका भी मैं आपको पार्ट ए करवा रहा हूँ, बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है डिसेंडिंग ऑर्डर, हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये हमारे पास तीन वैल्यूज़ गिवन है। क्वेश्चन नंबर ए इसका भी मैं कर रहा हूँ, बाकी पार्ट आपने खुद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 7 से स्टार्ट लेते हैं। 4 का पार्ट डी क्वेश्चन हमारे पास है 7800790। इसको वर्ड फॉर्म में लिखना है। तरीका आपको पहले भी सिखाया गया, तरीका क्या है, आप सबसे पहले जाएंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में, आप ये वैल्यू प्लेस करेंगे ताकि आपको पता चले कि हर वैल्यू आपकी प्लेस कहाँ कर रही है। ठीक है, हमने प्लेस करना स्टार्ट किया राइट हैंड साइड से 0, 9, 7, आगे पर आपके पास है 0, 0, 0, फिर है 8, फिर 7। जब आपने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस किया, आपको मालूम हुआ कि ये वैल्यू जो है वो 10 मिलियन की वैल्यू है। ठीक है, किसकी वैल्यू है, 10 मिलियन की। तो आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, आपको पता चल गया कि जो 7 है ये है 10 मिलियन, जो 8 है वो है मिलियन, बाकी ये 3 0 थाउजेंड्स में आ रहे हैं, ये है 100,000, 10,000, 1,000, फिर उसके बाद यूनिट्स में आ रहे हैं। ये 7 जो है आपका है 100, 10, 9 है टेंस और 0 है यूनिट यानी वंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। प्लेस वैल्यू चार्ट से हमें हर एक वैल्यू की जो है वो हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू मालूम हो चुकी है। 7 की 10 मिलियन है तो टोटल वैल्यू हमारे पास है 10 मिलियन। 10 मिलियन हम लिखेंगे, 10 यानी 70 जो है वो 7 जो है वो 70 हो जाएगा। ये क्या है, 78, 78 मिलियन। ठीक है, आगे जो है ये 3 0 है, इसकी वैल्यू नहीं आएगी तो हम क्या रखेंगे, एंड सेवन हंड्रेड एंड 90। ठीक है, हमारे पास हमने इसको वर्ड फॉर्म में लिख दिया तो वैल्यू हमारे पास क्या आई, 78 मिलियन एंड 790। यह हमारे पास वैल्यू आई है जो हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की, जो 4 और 7 में, क्वेश्चन नंबर 4 और 7 में हमें वर्ड फॉर्म दिए हुए थे, उसको हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास इसकी वर्ड फॉर्म आ गई कि ये वैल्यू कहाँ प्लेस कर रही है। इस वैल्यू की जो है वो उसको हम पढ़ेंगे कैसे लिखेंगे कैसे, सारा हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी इस वैल्यू को एक्सपेंड करो। वैल्यू को एक्सपेंड कैसे करते हैं, हमें मालूम है कि ये वैल्यू बहुत सारी डिजिट को मिला के बनी है और हर एक डिजिट का इसमें अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक प्लेस वैल्यू, अपनी एक हैसियत है इसमें हर एक डिजिट की। वो हैसियत क्या है उसको ज़रा हम खोल के रख दें, यहाँ इसको एक्सपेंड कर दें। तरीका वही, सबसे पहले इसको पुट करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में, स्टार्ट लेंगे यूनिट से 6, 9, 5, फिर है 0, 3, 8, फिर है 1, 6, 7, फिर है 3। जब हमने इस वैल्यू को प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट किया तो हमें मालूम हुआ कि इसमें हर एक वैल्यू की अपनी हैसियत है, वो क्या है। 3 की जो है वो है 3 बिलियन, 7 की है 100 मिलियन, 6 की है 10 मिलियन, 1 की है मिलियन, फिर इसी तरह 8 की है 100,000, 3 की है 10,000, 0 की है 1,000,
5 की है 100, 9 की है 10 और 6 की है यूनिट, ठीक है। तो इसको हम इसकी प्लेस वैल्यू के मुताबिक इसको एक्सपेंड करके लिख देंगे। एक्सपेंड करके लिखने का तरीका क्या होता है कि जिस वैल्यू को आप एक्सपेंड कर रहे हैं, सबसे पहले मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ 3 को, 3 को मैं यहाँ लिखूँगा और इसके आगे जितने भी डिजिट हैं उन सबको मैं 0 कर दूँगा, ठीक है। जितने भी डिजिट थे उन सबको मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो ये मेरे पास 3 की एक्सपेंडेड फॉर्म आई है। फिर इसमें 7 की एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए मैं 7 लिखूँगा, आगे इसके जितने भी डिजिट हैं उन सबको 0 कर दूँगा। इन दोनों के दरमियान साइन जो आएगा वो क्या आएगा, प्लस का, ठीक है। इसी तरह हम आगे सबको लिखेंगे और आगे जितने भी उसकी डिजिट होंगे उसको हमको 0 कर देंगे। 6 का लिखा, उसके आगे हमने सारी वैल्यूज को 0 कर दिया, ठीक है। फिर हमने लिखा 1 का, 1 के आगे की सारी वैल्यूज को भी हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। बीच में साइन हमारे पास वही उसी तरह सेम प्लस का आ गया। फिर हम जा रहे हैं 8 की तरफ, 8 पे लिखा हमने 8, आगे की सारी वैल्यूज़ को हमने 0 कर दिया। याद रखिएगा इसमें स्पेस का बहुत ख्याल रखना है, स्पेस आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो एक्सपेंड करने के चक्कर में आप इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक लिखना ही भूल जाएं। यानी प्रॉपर स्पेसिंग के साथ आपने लिखना है, 3-3 के कॉलम में। ज़ीरो है जहां हमारे पास, अब देखें एक्सपेंडेड फॉर्म में जहां आपके पास 0 आ गया, 1000 में हमारे पास क्या है, 0, ठीक है। तो जहां 0 आ गया इसके आगे सारे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, एक दफ़ा बस आप इसमें 0 लिख दें, ठीक है। फिर हमारे पास है 5 के आगे 2 वैल्यूज़ हैं, फिर है 9 के आगे 1 है, फिर है 6 के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो 6 यूनिट ही आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। अब इसमें हमने जब प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको देखा था, हमारे पास हर एक की अपनी वैल्यू थी, वो वैल्यू हमने यहाँ लिख दी फिगर में। 3 की क्या थी, बिलियन थी, हमने लिखा 3 बिलियन, 700 मिलियन, 60 मिलियन, फिर है 1 मिलियन, फिर हमने लिखा 800,000, 30,000, 1,000, 500, 90 और 6। ये हर एक की अपनी प्लेस वैल्यू है जिसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया। तो ये आपके पास तरीका है एक्सपेंडेड फॉर्म का, इसका भी मैंने आपको पार्ट ए करवा दिया, बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, जो 3 वैल्यूज इसने दी हुई इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप देखेंगे जितनी भी वैल्यूज आपको दी हुई है, 3 है, 4 है, 10 है, 15 है, 20 है, आपने ये देखना है कि इसमें चेंज कहाँ आ रहा है, इन तीनों वैल्यूज़ में चेंज कहाँ आ रहा है। 7, 4, 9 यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, आगे गए 6, 0, 3 यहाँ 6, 0, 3 यहाँ क्या है 6, 3, 0 चेंज आ गया, यहाँ आए, यहाँ है 6, 1, 3 यहाँ भी चेंज। यानी हमारे पास जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 6 के बाद, यहाँ से यहाँ तक तो वैल्यू सेम है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है 746 मिलियन, 600,000 तक ये वैल्यू सेम है, लेकिन उसके आगे चेंज हो रहा है, यहाँ है 603, यहाँ 630, यहाँ 613। हमने कह रहा है वो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के, डिसेंडिंग ऑर्डर से मुराद हाइएस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू से तक जाना है। अब आप इन इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, ठीक है। आप बीच वाले कॉलम को देखें, यानी 1000 के कॉलम को देखें, जो हमारे पास बीच वाला कॉलम है हम इसको देखेंगे, क्योंकि हमारे पास चेंज यहाँ वेरी हो रहा है, ठीक है। हम इसको देखेंगे, इसमें देखेंगे 603, 630, 613 में सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 630, ठीक है। 630, 603 से भी बड़ा है, 613 से भी बड़ा है।
तो हम ये सेंटर वाली वैल्यू हमारे पास है सबसे लार्जेस्ट, तो हम सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को यहाँ लिख देंगे सबसे पहले 7, 4, 6, 6, 3, 0, फिर है 9, 2, 8, सबसे लार्जेस्ट आ गई। अब सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू, ये वैल्यू तो आपकी हो गई, आपने लिख दी। इन दोनों में से अब देखना है लार्जेस्ट कौन सी है। इन दोनों में लार्जेस्ट है 6, 1, 3, तो हम वो वाली वैल्यू लिख देंगे 7, 4, 6, 6, 1, 3 और 8, 2, 9। ये दोनों हो गई, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बची क्या है, ये वाली वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है, इसको हम यहाँ लिख देंगे 2, 9, 8। ठीक है, देख लिया हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। आप सबसे पहले चेक करेंगे कि आपके पास चेंज कहाँ वेरी हो रहा है, जहाँ चेंज वेरी हो रहा है उसी कॉलम को आप लेंगे, उसमें से फिर चेक करेंगे कि लार्जेस्ट कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, उसी हिसाब से आप इसको ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 7, 10 और 11 हमने कर दिया है। 4, 7 इन वर्ड्स फॉर्म थी, 10 एक्सपेंडेड था और 11 में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।